सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय काशी दौरे पर आ रहे हैं। वहीं प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री शाम 5:25 पर मऊ से हेलीकॉप्टर द्वारा BHU हेलीपैड पहुंचेंगे और वह BHU व बुलंदशहर PSC परिसर के अलावा सिग्रा स्टेडियम के विकास कार्यो का जायजा लेंगे। इसके बाद विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अफताब आलम हमसे जुड़ेंगे। अफताब आलम, सीएम योगी का काशी दौरा है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर बनारस आ रहे हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री आज शाम 5:25 में पर मऊ से हेलीकॉप्टर द्वारा BHU हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से वह BHU व भुल्लनपुर PSC 34 बटालियन परिसर के अलावा सिग्रा स्टेडियम के विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वह विश्वनाथ मंदिर दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद वह सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। आपको बता दें कि 9 सितंबर को सुबह 9:40 पर सीएम पुलिस लाइन से हेलीपैड से जौनपुर जाएंगे, वहां से गाजीपुर जाएंगे। वहां PG कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वह दोपहर 3 बजे पुलिस लाइन आएंगे। यहां से सड़क मार्ग के जरिए सीएम सिग्रा स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में जाएंगे, जहां भाजपा के संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रकाशित बुक पर केंद्रीय संवाद के बतौर मुख्य अतिथि में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के बाद वह लखनऊ वापस लौट जाएंगे। काशी दौरे के दौरान उनके आगमन में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के दौरे को मद्देनजर रखते हुए बुधवार को ही DM कौशल राज शर्मा ने कैंप कार्यालय पर अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की और वहां और नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने भी सफाई समेत अन्य तैयारियों के संबंध में बैठक की। उनके इस दौरे के दौरान कौन कौन लोग मौजूद रह सकते हैं उनके साथ? आपको बता दें कि दौरे के दौरान जो है यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का भी जत्था है और शहर अध्यक्ष है, और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है वो लगातार बनारस का दौरा करते हैं, क्योंकि बनारस जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र है और इसके लगातार यहाँ से वो 2 बार सांसद हुए हैं। उसके बाद वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बनारस आते हैं और हर एक कार्यों की निरीक्षण करते हैं, खुद से इसकी मॉनिटरिंग वो खुद करते हैं। जी, उनका ये दौरा कब तक चलेगा यहाँ? जी, आज और कल 2 दिवसीय दौरा है ये, जिसमें कई जगह जाना है उनको। मऊ जाना है, गाजीपुर जाना है, जौनपुर जाना है, उसके बाद वाराणसी का दौरा करने के बाद वो वाराणसी लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, धन्यवाद अफताब तमाम जानकारी के लिए। फरुखाबाद के जिला अस्पताल में लोहिया के प्रयोगशाला कक्ष के बाहर बीते दिन हुई मारपीट का वीडियो सामने आया है। दरअसल लैब कर्मी और मरीज के बीच हुई मारपीट के मामले में लैब टेक्नीशियन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं मारपीट के वायरल होने में कई कर्मचारी एक वृद्ध को पीटते नजर आए। आपको बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास के जिला अस्पताल का है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।